नमस्कार, मूव मीडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अभिजीत। डीएमसीएस दरभंगा के जूनियर डॉक्टर्स और इंटर्न एमबीबीएस एक बार फिर से हड़ताल पर चले गए हैं। अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर इन्होंने कार्य बहिष्कार किया है, जिससे डीएमसीएच की स्वास्थ्य व्यवस्था पर खासा असर देखने को मिल रहा है। आंदोलन कर रहे हैं जूनियर डॉक्टर्स का कहना है कि पिछले 3 महीनों से ये अपनी मांग स्वास्थ्य मंत्रालय तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन इनकी मांगों पर स्वास्थ्य विभाग ने कोई ध्यान नहीं दिया, जिसको लेकर आज इन्हें ये कदम उठाना पड़ा है। आज यानी कि 20 दिसंबर से जूनियर डॉक्टर्स और इंटर्न एमबीबीएस जो हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। बिहार सरकार ने कोविड को लेकर के प्रोत्साहन राशि का जो घोषणा की थी द्वितीय वेव, वो हम लोग को अभी तक नहीं मिला। सारे स्टाफ को, इवन फोर्थ चतुर्वर्गीय कर्मचारी को भी मिल चुका है पैसा। हम लोग जो जितने भी पीजी स्टूडेंट हैं, इनको भी देने के बात कही गई थी, अभी तक हम लोग को मिला नहीं। मतलब विगत 3 महीने से हम लोग बिहार सरकार के जो भी मंत्री हैं और साथ में जो भी इसका सचिव है, इनसे मिलने की कोशिश की है। कई बार वार्तालाप भी हुई, वो लोग बोले कि दे देंगे, चलता रहा। 3 महीने से अभी तक कुछ हुआ नहीं। लास्टली हम लोग एक सप्ताह पहले एक लिखित पत्र जारी किया था कि नहीं मिलता है तो 20 तारीख से हम लोग वर्क विड्रॉल पे जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। लास्टली हम लोग अपने कदम को आगे बढ़ा लिए हैं। ये अनिश्चितकालीन तक चलेगी, जब तक लेटर नहीं निकालते चलेगी, क्योंकि आपको पता होगा हाल फिलहाल भी पीजी के यहाँ के जो भी जूनियर डॉक्टर्स हैं वो कोविड में काम किया है। हाल फिलहाल अभी 1 महीने पहले मैंने रोस्टर देना बंद कर दिया है जूनियर डॉक्टर्स का कि हम लोग अब नहीं करेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग काम किए हैं। जब लगातार यहाँ काम हो रहा है, इसी तरह का हर मेडिकल कॉलेज में काम हो रहा है, जूनियर डॉक्टर अपना काम कर रहा है, तो स्वाभाविक है अपने बात से उनको नहीं मुकरना चाहिए। साथ में बात यह है कि पीजी जितना भी काउंसलिंग हमारे जूनियर डॉक्टर्स जितने भी हैं आए हुए हैं, हम लोग जैसे अभी अब कुछ दिन में हम लोग का टेन्योर पूरा होने वाला है। एक बैच जो आया ऑलरेडी 1.5 साल से खट रहा है। आप इस तरह के महामारी में जूनियर डॉक्टर्स की ज़रूरत हर मेडिकल कॉलेज में होती है। एग्ज़ाम ले लिए हैं, एग्ज़ाम लेने के बाद रिजल्ट भी जारी किए, अभी तक काउंसलिंग नहीं करा रहे हैं। जूनियर डॉक्टर्स के यहाँ कमी है, हर मेडिकल कॉलेज में कमी, बिहार क्या पूरे इंडिया में कॉलेज, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आप झूठ मूठ का एक माहौल बना रहे हैं कि हम स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन जो डॉक्टर्स की कमियाँ उसको कहाँ पूरा कर रहे हैं। जूनियर डॉक्टर्स को लाइए ना, आप काउंसलिंग समय पर करवाइए, लाइए। ये सब मांगे हैं कि जल्दी से काउंसलिंग हो जाए, प्रोत्साहन राशि मिल जाए। इसके बाद इंटर्न के स्टाइपेंड का भी मांग मैंने रखी है कि इनको भी मिल जाए, क्योंकि 2017 में इसकी बढ़ोतरी हुई थी, उसके बाद अभी तक नहीं हुई है। हर 3 साल पे इनकी बढ़ोतरी होनी चाहिए था। 2020 में हम लोग को तो हो गई है, लेकिन इन लोग को अभी तक हुआ नहीं है। ये भी एक मुद्दा है। इंटर्न भी लोग भी काम किया है जो भी कोविड में, उनको भी प्रोत्साहन राशि नहीं मिला, उनको भी मिलना चाहिए। साथ में एक है क्या कि हायर एजुकेशन में है मामला क्या कि जो हायर एजुकेशन में जाना चाहता है उसका बॉन्ड फ्री होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ एग्जस्ट कर चुका है, बहुत ज़्यादा साधन नहीं है, उस तरह के बहुत चीज़ जूनियर डॉक्टर नहीं सीख पा रहा। अभी एडवांस ज़माना आ गया, नया नया टेक्नोलॉजी जानना ज़रूरी है, उसमें हायर एजुकेशन का भी ज़रूरत है, और उसके लिए आप बॉन्ड फ्री नहीं करेंगे तो कैसे करेगा, नहीं करेगा तो हेल्थ सिस्टम कैसे सुधरेगा। उसमें भी सरकार को यहाँ लिबरल होना चाहिए। ये कुछ डिमांड है हम लोग को, जिसके प्रति हम लोग बार बार बात कर रहे हैं, सरकार नहीं सुन रहे, तो लास्टली हम लोग काम बंद कर दिए हैं। क्या आप इस चीज़ को देखिए, समझिए और मांग पूरा कीजिए, हम लोग आपके सहयोग करने के लिए तैयार हैं। क्या सुनना होगा सर? डॉक्टर नीरज कुमार, JDA प्रेसिडेंट। तो आपने सुना कि इन डॉक्टर्स की क्या 5 सूत्री मांगे हैं, जिसको लेकर ये आज से कार्य बहिष्कार पर हैं और हड़ताल कर दिया है। अगर ये ज़्यादा दिन चला तो डीएमसीएच की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमरा जाएगी। डीएमसीएच की स्वास्थ्य व्यवस्था इन जूनियर डॉक्टर्स के ही हाथों में है, साथ ही इनके साथ में समर्थन में जो इंटर्न एमबीबीएस हैं वो भी हैं। इसलिए सरकार को जल्द से जल्द इनकी मांगों पर ध्यान देना चाहिए और आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। बिहार और देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए मूव मीडिया, और फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।